नमस्कार आदाब, मैं हुसानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पूरी दुनिया में तबाही मचाते हुए अब कोरोना वायरस ने मशहूर गायिका कनिका कपूर को ले लिया है अपने चपेट में। बताया जा रहा है कि कनिका कपूर का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। आपको बता दें कि लखनऊ में शुक्रवार को 4 और लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है, इनमें से एक कनिका कपूर भी शामिल है। उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। आपको बता दें, वो कुछ दिन पहले ही लंदन से लौटी थी और लखनऊ के ताज होटल में ठहरी थी। इसके बाद शालीमार ग्रैंड अपार्टमेंट में पार्टी में भी शामिल थी। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो लंदन से लौटी है। जानकारी के मुताबिक कनिका कपूर 14 मार्च को होटल में पहुंची थी और उन्होंने 16 मार्च को चेकआउट कराया था। होटल में उनसे मिलने कई लोग आए थे और पुलिस उन सब लोगों की भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कनिका कपूर के माता पिता का भी टेस्ट होगा और पार्टी में मौजूद सभी लोगों की पुलिस जांच कर रही है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राजस्थान में 2 विदेशियों समेत 7 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है। तमिलनाडु में 3 मामले सामने आए हैं, वही आंध्र प्रदेश में 2 लोग इससे संक्रमित है। उड़ीसा, उत्तराखंड, बंगाल, चंडीगढ़ और पंजाब में 1-1 मामला सामने आया है। हरियाणा में 14 विदेशियों समेत 17 लोग संक्रमित है। इसी के साथ प्रहार टाइम्स की बाकी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।